तो यह कहानी एक लड़की पर आधारित है जिसका नाम वेरोनिका था। वेरोनिका एक 15 वर्षीय लड़की है जो अपनी माँ और 3 भाई बहनों के साथ मैड्रिड के मजदूर वर्ग जिले के वलेकास के एक अपार्टमेंट में रहती है। उनके पिता का हाल ही में निधन हो गया और उनकी माँ परिवार का समर्थन करने के लिए एक बार में लंबे समय तक काम करती है, जिससे वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों लुसिया और आइरीन और एंटोनिटो के इंचार्ज बन गई। सूर्य ग्रहण के दिन उनकी टीचर बताती है कि कैसे कुछ प्राचीन संस्कृतियों ने मानव बलिदानों और अंधेरे आत्माओं को बुलाने के लिए ग्रहण का उपयोग किया। जबकि स्कूल ग्रहण को देखने के लिए इकट्ठा होता है, वेरोनिका, उसकी सहेली रोजा और डायना एक ओइजा बोर्ड का उपयोग करते हुए एक तहखाने का संचालन करने के लिए तहखाने में जाती हैं। वेरोनिका अपने डैड पिता के पास पहुंचना चाहती है और डायना अपने डैड प्रेमी के पास पहुंचना चाहती है, जिसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बोर्ड तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन रोजा और डायना अपने हाथ वापस खींच लेते हैं जब कांच का कप छूने के लिए बहुत गर्म हो जाता है। उस पर वेरोनिका का हाथ बना हुआ है और ग्रहण के क्षण में कप टूट जाता है। उसकी अंगुली काटकर बोर्ड पर खून टपकता है। वेरोनिका अनुत्तरदायी हो जाती है और अचानक एक राक्षसी चीख निकालती है। बाहर निकलने के बाद वेरोनिका स्कूल की नर्स के कार्यालय में जागती है, जो उसे बताती है कि वह शायद आयन की कमी से अनकॉन्शियस हुई है। वेरोनिका असामान्य घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर देती है। वह अपना खाना खाने में असमर्थ हो जाती है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। उसके शरीर पर पंजे और काटने के निशान दिखाई देते हैं और उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उत्तरों की तलाश में वह स्कूल के तहखाने में वापस जाती है और स्कूल के बुजुर्ग अंधे नन को ढूंढती है, जिन्हें छात्र सिस्टर डेथ कहते हैं। नन उसे कुछ खतरनाक करने के लिए डांटती है और समझाती है कि एक डार्क स्पिरिट उससे जुड़ी है, उसे अपने भाई बहनों की रक्षा करने की जरूरत है। वेरोनिका सुरक्षात्मक वाइकिंग प्रतीकों को ड्रॉ करती है, केवल दानव के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए। When that spirit chokes Lucia, she tries to help Lucia, but Lucia says that it was Veronica who was choking her. उस रात वेरोनिका ड्रीम्स की उसके भाई बहन उसे खा रहे हैं। She wakes up. बाद में वह बच्चों के प्रत्येक गद्दे पर एक मानव शरीर के आकार में एक बड़े जले के निशान को देखती है। Veronica goes to Sister Death for advice. Sister Death उसे बताती है कि वह आत्माओं को जाने के लिए मजबूर कर सकती है by doing right what she did wrong. हताश होकर वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिचुअल करने का फैसला करती है। She has Antonito draw the protective symbols on the walls. Antonito इसके बजाय आह्वान के प्रतीकों को आकर्षित करता है। When she tells the spirit to say goodbye, it refuses. Veronica खुद को दर्पण में देखती है, यह महसूस करती है कि वह पूरे समय she has been possessed by the demon और अपने भाई बहनों को हार्म किया। The police enter to find her being attacked by an invisible force and passing out. Medics Veronica और Antonito को बाहर ले जाता है, जबकि एक जासूस दृश्य का निरीक्षण करता है। As the detective watches a framed photograph of Veronica suddenly catch fire, he is informed that she has died. No one knows how Veronica died. Even the autopsy failed to give explanation. Police stated that it was some kind of evil entity. It doesn't belong to this world. Who was that entity? Will it ever come back? And if it does, what will be the consequences?